आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। इस वीडियो में हम बात करेंगे बायोपायरेसी की। जैसे कि नाम ही बोल रहा है, ये बायोलॉजिकल फॉर्मूला, और हम बोल सकते हैं पायरेसी एक टर्म है जिसे हम बोल सकते हैं अनऑथराइज्ड वर्क या बायो रिसोर्सेज के जितने भी ऑक्यूपेंट्स या हम बोल सकते हैं यूजेबल वर्क, उनको अनवांटेड या अनलीगली काम करना। जैसे कि हम बात करें बायो रिसोर्सेज की, तो बायो रिसोर्सेज यूज आते हैं इन द वेरियस मल्टीनेशनल कंपनीज के थ्रू और इन दी ऑर्गेनाइजेशंस के थ्रू। जैसे कि हम लोग सुनते हुए आ रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट बड़ी बड़ी जो प्राइवेट फर्म्स हैं और बड़ी प्राइवेट कंपनीज हैं विच आर वर्किंग इन दी ऑथराइजेशन, और कुछ कुछ लीगली वर्क कर रही है और कुछ लीगली वर्क नहीं कर रही है। ये अनलीगल वर्क विदाउट प्रॉपर ऑथराइजेशन से कंप्लीट नहीं हो पाता है, और हम बोल सकते हैं वेयर इन दी डिफरेंट जोन से कंप्लीट नहीं कर पाते हैं इलीगल डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशंस, पेमेंट क्राइटेरिया और वेरियस अदर फैक्टर्स से। तो ये हम बोल सकते हैं ये बायो रिसोर्सेज के एकदम अपोजिट वर्क करते हैं, और फॉर द नेशन एंड फॉर द कंट्री ये अपोजिट काम करने लग जाते हैं। इसे बायोपायरेसी फर्म्स में डाला जाता है। ऐसे अगर हम बात करें इंडस्ट्रियल लेवल पे, तो इंडस्ट्रीज जो नेशंस पे प्रोवाइड होती है और जो हमारे डिफरेंट सोर्सेज हैं फॉर वेरियस प्रोडक्ट्स और वेरियस थिंग्स, वो नेशंस में रिच इन फाइनेंस कंडीशन है बट पुअर है वो ट्रेडिशनल बायोडाइवर्सिटी नॉलेज में। फॉर एग्जांपल, इफ कोई भी वर्कर या कोई भी पर्सन एक इंडस्ट्रीज में काम कर रहा है, तो वो इंडस्ट्री के फैक्टर बहुत इम्पोर्टेंट मेंटेन रखते हैं उसके टैगलाइन से, और हम बोल सकते हैं उसकी वैल्यू ऑफ ट्रस्टिंग से जो कस्टमर डील करते हैं। ऐसे ही इंडस्ट्री के वर्क मेंटेन करे जाते हैं विद ही ट्रेडिशनली और बायोडाइवर्सिटी नॉलेज के थ्रू। तो हम बोल सकते हैं ये वर्क होता है विद द वेरियस इफेक्ट से। जैसे कि कोई भी लीगली वर्क जो परमिशन चाहता है गवर्नमेंट की, ये पैनल्ड वर्क कंप्लीट होता है इन दी वेरियस फैक्टर्स पे। अगर ये प्रॉपरली वर्क नहीं होता, और हम बोल सकते हैं डिफरेंट प्लांट्स लगाना या फिर डिफरेंट मशीन जो इंस्टॉल करना इन द वेरियस इंडस्ट्रियलाइज्ड फील्ड के अंदर, उधर ये बायोपायरेसी का काम होना अनवांटेड या बोल सकते हैं अनलीगलाइज्ड मशीन रन करना और इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शंस और वेरियस डिफरेंट फील्ड्स पे। जैसे कि हम बोल सकते हैं ये ट्रेडिशनल और बायोडाइवर्सिटी नॉलेज दोनों रिलेट करती है बायो सोर्सेज से। ये बायो सोर्सेज हम बोल सकते हैं बाय सेविंग टाइम, एफर्ट और विद द एक्सपेंडिचर। तो हम बोल सकते हैं मॉडर्न टेक्नोलॉजी ने अगर यूज़ करा है वेरियस थिंग्स को और सोर्सेज बढ़ाए हैं जिससे लेस टाइम कंज्यूम हो और एक्सपेंडिचर भी वैल्यू कम हो। हालांकि ये टेक्निक्स और ये टेक्नोलॉजीज आर एक्सपेंसिव जो पहले यूज़ नहीं हुआ करती थी, पर ये टाइम कंजप्शन बहुत कर सकते हैं। इसके साथ साथ अगर हम बायोडाइवर्सिटी लेकर बात करें या हम लोग एनवायरमेंट फैक्टर्स पे देखे बात करें, तो ये मशीन्स एनवायरमेंट को भी हजार्ड करती है, पर अगर इकोनॉमिकली वर्क करें तो इकोनॉमिकली ये एक वेरियस सोर्सेज है फॉर दी प्रॉपर डेजिग्नेशंस और उनके ऑर्गेनाइजेशन से। ऐसे हम बात करें रियलाइजेशन और जस्टिस इनएडिक्वेट कंपनसेशन से, तो इस पॉइंट का यहाँ पे ये मतलब है कि जस्टिकली, और हम बोल सकते हैं थ्रू द वेरियस टर्म्स और कंडीशंस पे कैसे काम कराया जाता है, उसकी शेयरिंग कैसी बांटी जाती है और उनकी मेथड कैसे कंप्लीट कराए जाते हैं और कौन से प्रोसेस में वो कंप्लीट कराया जाता है, ये हम कर सकते हैं विद द प्रॉपर बेनिफिट शेयरिंग के थ्रू, विद द प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट के थ्रू और उनके राइट्स के थ्रू। जैसे कि डेवलपिंग बाय द लॉज, डिफरेंट लॉज डेवलप्ड हो चुके हैं फॉर वेरियस एक्टिविटीज़ के लिए जो बताते हैं कि कौन सा वर्क कैसे कंप्लीट करना चाहिए और कौन सी चीज़ लॉ के अंडर नहीं अलाउड है। ऐसे अभी रिसेंटली क्लियर हुआ है सेकेंड अमेंडमेंट लॉ जो इंडियन पार्लियामेंट ने क्लियर करा है फॉर द पेटेंट बिल। इसके साथ साथ ये फॉलो कर रहा है इमरजेंसी और रिसर्च फील्ड को भी। जैसे कि हमें पता है इमरजेंसी सिस्टम्स या इमरजेंसी हेल्प नेचर जितनी भी है या डेस्क चल रही है, वो कितने हिसाब से वर्क कर रही है या नहीं कर रही है, उनकी प्रॉपर गाइडेंस, उनकी प्रॉपर अथोराइजेशन
ऑफ इंस्टीट्यूट और उनकी ऑर्गेनाइजेशन से प्रॉपरली वर्क होना। ऐसे ही अगर हम रिसर्च फील्ड की बात करें तो डे बाय डे रिसर्च इंक्रीज्ड हो रही है। ये रिसर्च फील्ड में ऑक्यूपेशन का साथ साथ उनके डेजिग्नेशन का सोर्सेज का इंक्रीज करना और उनके वैल्यूएबल स्टडीज़ को या वैल्यूएबल पार्ट ऑफ रिसर्च में रोल प्ले करना, ये सब को बायोडाइवर्सिटी के नेचर को मेंटेन करा जाता है विद द बायो पायरेसी से। क्लास 6 से 12 से लेके नीट IIT JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज डाउनलोड करें डाउट नेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।